मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूं जो काजल लवर्स हैं, लाइनर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। या फिर आप कॉलेज जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं काजल या लाइनर्स में, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेरे चैनल इस चैनल का पार्ट बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके हिट कर दीजिए बेल बटन, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप कोई लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है जेल आईलाइनर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं, उतनी इजीली स्मच भी नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी आते हैं। तो इसीलिए एक मैंने ऐसा आईलाइनर ट्राई किया जो एक्सपेंसिव भी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और उसका सारा कंप्लीट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो है, मैंने परचेज़ किया है ये अमेज़ॉन से, जो है म्यूज़िक फ्लावर का लॉन्ग वियर जेल आईलाइनर। द बेस्ट पार्ट इज़ जितने का आपको एक लाइनर मिलता है उससे कम प्राइस में आपको ये सेट ऑफ टू मिल जाता है। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ये जो है ये कलर इसमें एक ब्लैक है, एक है ब्राउन, इसमें ब्लू का भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। सारे अगर जो जो अवेलेबल हुआ है अमेज़ॉन पर, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट, और इसका प्राइस है के ऊपर से तो प्राइस हट गया है, आपको स्क्रीन पर मैं इसका प्राइस लिख दूंगी, और डिस्काउंट चेंज होता रहता है तो आप अमेज़ॉन पर चेक कर लीजिएगा। अभी जो मैंने लाइनर अप्लाई किया हुआ है वो यही वाला जेल आईलाइनर है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको बिल्कुल आप रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप ये परचेज़ करते हैं तो। ये मैंने काफ़ी टाइम से लिया हुआ है और काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही हूँ कि इसका रिव्यू करूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो इंटरनल पैकेजिंग इस तरीके की है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ लाइनर्स के साथ इसमें 2 ब्रशेस भी आते हैं, एक है एंगुलर ब्रश और दूसरा है इस तरीके का नॉर्मल वाला ब्रश। तो दोनों ही एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इस वाले ब्रश को भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपना लाइनर अप्लाई करने के लिए, और ये छोटा सा एंगुलर ब्रश है, इससे भी आप अपने इजीली अपना विंग बना सकते हैं। तो ये हैं ब्रशेस जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा आप देखते हैं इसके अंदर एक ये लाइनर है एंड दूसरा ये वाला, ब्लैक है, ये वाला है ब्राउन कलर का। ब्रशेस का मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ, दोनों में यूज़ कर चुकी हूँ, इनके ऊपर लाइनर लगा हुआ है एज यू कैन सी, और इनकी क्वालिटी भी आपको क्लोज़अप देखने से आइडिया हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप जिस भी तरीके के ब्रश से कंफर्टेबल हों, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये है ब्लैक कलर का लाइनर, ओपन करते हैं तो इस तरीके का इसके ऊपर एक कवर होता है, इसको रिमूव कर दीजिए, और ये है इसके अंदर जेल लाइनर। इसका पिगमेंटेशन मैं अभी आपको अपने आर्म पर अप्लाई करके दिखाऊंगी, पहले इससे उससे पहले मैं आपको ब्राउन वाला भी दिखा देती हूँ। और जो इसकी बॉटल है, ये आप जो घर पे अगर आप काजल बनाते हैं तो वो स्टोर करने के लिए, या फिर कुछ और लिप बाम वगैरह के लिए स्टोर करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्यूट इसकी पैकेजिंग है, ब्राउन वाला। पिगमेंटेशन दोनों की सेम है, पैकेजिंग भी सेम है, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया ब्लू कलर का ऑप्शन भी आता है। अगर आप कलरफुल लाइनर्स पसंद करते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, डेली वेयर में आप चाहते हैं कुछ सस्ता टिकाऊ लाइनर, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसमें पहले मैं आपको ब्राउन वाला दिखाती हूँ, इसकी हेल्प से इसकी पिगमेंटेशन ऐसी है, काफ़ी डिसेंट है और सॉफ्ट है, अप्लाई करने में बिल्कुल भी हार्श नहीं है। कि जस्ट ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक वाला, ब्राउन भी ब्लैक जैसा ही लुक देता है, वो थोड़ा सा एकदम जेट ब्लैक नहीं होता है, एकदम डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन नहीं है। तो ये है, बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, बिल्कुल हार्श नहीं लगता आपकी स्किन पर। लेकिन अगर आप इसकी पिगमेंटेशन महंगे वाले लाइनर्स के साथ अगर आप कंपेयर करें, उससे तो इसकी पिगमेंटेशन कम है, ऑफ़ कोर्स प्राइस भी कम है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप थोड़ी एक और लेयर अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कोई आपने सस्ता लाइनर लगाया हुआ है, बहुत कंफर्टेबल है लगाने में भी। तो दैट्स इट गाइज, आई रियली होप ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप ये लाइनर यूज़ करते हैं, अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिएटिव।